एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फिलहाल, तो नींद में हूँ। एक्चुअल में हम लोग रात को बहुत लेट सोए थे, 2:30 बज गए थे सोते सोते, तो उठ के 6:15 बजे। और अब जो है अन्नू को रेडी करना है, क्योंकि अन्नू के जो बारात है वो बहुत दूर से आने वाली है और वो निकल गई है। और बारात का आने का टाइम 7:15 बजे का है, मतलब आने वाली से मतलब। और पर मेरे को जो है अन्नू को 9 बजे तक रेडी करना है, तो अब मैं फटाफट शुरू हो जाती हूँ इसको रेडी करने के लिए। और ये देखो हमारी दुल्हन, गुड मॉर्निंग अन्नू, शनि मुबारक। अभी तो उठ रहे हैं लोग धीरे 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 धीरे, बट हाँ अब मैं शुरू हो जाती हूँ अन्नू को रेडी करने के लिए। तो अभी मेरी अन्नू तो वो ऐसी लग रही है, ऐसी दिखेगी बाद में भी। मेरी ब्राइड को जो है आज मैं पहली बार ऐसे लटा के तैयार करवा रही हूँ, क्योंकि इसको पूरे दिन खड़े भी रहना है, और जो है रात में भी हम बहुत लेट सोए थे तो इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो सोते सोते फिर मैडम, कैसा मेकअप चाहिए आपको? जैसा चाहिए आपको पता मैडम। तो ठीक है, फिर अभी मैं इसका मेकअप शुरू कर लेती हूँ। मुझे भी सच में इतनी नींद आ रही है ना, पहली बार ऐसे लग रहा है कि चक्कर आ रहा है मुझे, सच में बहुत स्लिपरी फील हो रहा है और चक्कर आ रहा है। बस इसका अच्छा सा हो जाए। चलो अब बाकी मेकअप शुरू करते हैं और आपको बाद में दिखा देंगे कैसे लगे हमारे ब्राइड। एंड फाइनली मेरी ब्राइड हो गई है रेडी, मतलब इसके बारात आ गया और मैं ना अभी तक ना खुद तैयार हुई और इसको तो अभी कम्प्लीटली। फाइनली मेरी दुल्हन हो गई है बिल्कुल रेडी और बारात भी आ चुकी है। और आज थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक लिया मैंने, ऐसे वगैरह बनाया। एंड अब जो है अन्नू को ले जाने वाले हैं, तो मैं चलती हूँ। आयो मेरे डांटे यार, किना जमिया खिलाने ले जाने और 2 घंटे से अन्नू को तैयार करते करते इतनी भूख लगी ना मुझे, मंडप में ही मैं खाना शुरू कर रही हूँ। वो भी क्या पकौड़े, और मैं साथ में आऊँगा साथ में कॉफी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी रात? बहुत बढ़िया, आपकी जैसी हसीन रही, आप जैसे ब्यूटीफुल लोगों के साथ। सेम यार, सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, इसीलिए ताकि अच्छा लगे, अच्छी वाइब्स आए, अच्छी फीलिंग्स। सही बात है। यस्यां भूतासमभवद्यस्यां विश्वं इदं जगत् कामाद्य काता
अब जो है जो दूल्हा सहरा लगा के आता है तो यहाँ पे एक रिचुअल है जिसमें सास जो है दूल्हे का सहरा उठाती है। यहाँ पे लगी है बुआ जी ने भी लाल। बुआ जी क्या लगाया आपने? कंजोर सारा कुछ हो गया है और उसके बाद आपने फिर से चेंज कर लिया है क्योंकि अब विदाई होने वाली है। और एक चीज मैं बताना तो भूल गई आप लोगों की, अनु की शादी हो कर रही है, अनु की शादी हो रही है ठियोग में, तो बरात जाएगी ठियोग वापस। ठियोग से आई थी सुबह, पता नहीं बेचारे कितने बजे निकले थे, पहुंच गए थे यहाँ पे 8 बजे तक तो आराम से। अब जो है हम सब, और अब थोड़ी बहुत कुछ कुछ रस्में बची हुई है और हमने करना है खाना, खाएंगे हम फिर शायद 4-5 बजे तक तो यहाँ से निकल जाएगी, वो एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अभी दूल्हा दुल्हन का तो बाहर फोटोशूट हो रहा है, चलो देखो। खाना खिलाने की रस्म हो रही है, नहीं पता, नहीं पता भाई, बोलने की बात है ये। सुनो खाना खा लो आप, हम भी जाए खाना खा के आते हैं। ठीक है विक्की जी खाना खा लो। खाने वाला साथी बस एक ही मिली है शीतलु, मैं और शीतलु जाके खाना खा लेते हैं। आज तो बड़ी अच्छी दाम बनी है दिख रही थी, जब वो दूल्हे दुल्हन को लेकर जा रहे थे ना थाली में, मीठा खाएंगे आज, ड्राई फ्रूट का मीठा बना हुआ आज कुछ ऐसा है। हाँ हाँ छोड़ जाओ कद्दू। बाद अब एक और रस्म होनी है जिसमें दुल्हन को सुहाग पूरा बनाया जाएगा और अब जो है दुल्हन को उसके जो है घर से दी हुई ज्वेलरी में विदा करेंगे। वो सिक्के वाला हो गया रस्म, सिक्के वाला होना है देखो। अच्छा ये बनाया सुहाग पूरा, क्या बोलते इसको, सुहाग पूरा शाप। हाँ तो यार उनको हाथ कर लेना, देखो एक बार समझाना, ऐसे करिए ना, सिक्के रखते गए फिर ना ये हाथ आपने ऐसे करना और सिक्के इसमें लेने, ऐसे 7 बार करना, चलो ऐसे हाथ रखो, चलो करो शुरू, ऐसे सिक्के बेटा थोड़ा सा ऊपर कर लो, रख दो सारे रख दो इसके। हाँ ये बेटा जैसे बोलते हैं ना सिक्कों से मांग भर रहे आप। तो विदाई वाली रस्म होनी है, इसमें जो है अभी पूजा होगी और इसमें जो है दुल्हन को जगह बिठा के घर वाले जो हैं उसको फूल चढ़ा के उसके पैर छूते हैं, तो ये वाला जो रिचुअल है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगा।
विदाई में जो है दुल्हन का भाई जो है दुल्हन को उठाकर गाड़ी तक लेके जाता है। मैं भी दुल्हन के साथ जो है दूल्हे और दुल्हन की गाड़ी में बैठी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ठियोग। आपका घर का नाम, गांव का नाम क्या है? द्राबला। द्राबला पहुंच गए हैं। अभी जो है हमारी एंट्री होने वाली है। हमने हमारी लाड़ी भी बिल्कुल तैयार कर दी है। अब ना इसका मुंह नहीं दिखा सकते हम लोग जब तक मतलब एंट्री नहीं होगी तब तक। तो मैंने भी अपने झुमके झमके निकाल दिए थे, फटाफट से लगा लेती हूँ। पकड़ो जरा, ये भाई सफर इतना मस्त रहा ना हमारा। जितना हंसाया ना मैंने इन लोगों को, इतना किसी ने नहीं हंसाया हुआ आज तक। यही उतारना पड़ेगा मेरे को। यही उतरना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। स्टैचू 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 स्टैचू
पिछवा चाहिए भाई करते हुए मैंने किया आज का दिन कंप्लीट। और अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।